न्यू व्लॉग। सो इस व्लॉग में आज हम कुछ और तो नहीं लेकिन ओट्स बनाना जरूर सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं अजवाइन। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम अजवाइन। अब हम डाल रहे हैं इसमें तो उसको थोड़े से करने के बाद प्याज। अभी प्याज डल रहा है, अब प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। जब अच्छे से भून जाएगा तब थोड़ा सा कलर आएगा, तब उसके बाद हम डालेंगे उसमें टमाटर। देखिए ऐसे भूनना है। थोड़ा सा केसी लोग भी कर लीजिए, चीटी भी बताती हैं। जब ये पूरा मतलब ब्राउन शेड जब आ जाएगा इसका, तब हम डालेंगे टमाटर। अब हमने डाल दिया, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा भी डाल सकते हैं, मिर्ची। लेकिन हमको तो वही पसंद है तो हमने तीखा डाला है, मिर्ची डाल सकते हैं। तो गाइस आपको बीच बीच में घुमाते भी रहना है जिससे प्याज जले ना, थोड़ी देर घुमाते रहना है। अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर। जब इसमें थोड़ा सा कलर आ गया तो अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर। टमाटर से पहले हम डालेंगे लहसुन। अब लहसुन थोड़ा सा और, लहसुन बस आपको दो ही पीस डालना है। अब हम डालेंगे इसमें अंदर टमाटर। अब इसको साथ को मिक्स कर देंगे। अब टमाटर थोड़े से छीटेंगे तो पी क्या कुछ। अब हम इसको थोड़ी देर के ढक के रख देंगे, उसके बाद देखते हैं। गाइस हमको इसको बीच बीच में खोल के एक और बार घुमाना पड़ेगा जिससे जले ना, ठीक रहे। हो चुका है टाइम, तो हमने इसको ऑन कर दिया है। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून मतलब नमक। दो बार डाल दिया हमने, एक चम्मच नमक और दूसरी बार आधा चम्मच। स्वाद अनुसार हम डाल रहे हैं हल्दी। अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार चिकन मसाला। जिस उधर से स्वाद है तो हम डाल दिया अभी चिकन मसाला। चिकन मसाला बन चुका है, अब इसको एक बार फ्राई करना है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। पानी डाल दिया है हमने। अब आधा ग्लास के बीच में ले सकते हैं, फुल ग्लास भी ले सकते हैं। तो गाइस अभी हम इसमें ओट्स डाल रहे हैं। तो अभी 6 बड़े चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 6 बड़े चम्मच हम डाल देंगे इसमें ओट्स। छह बड़े चम्मच हमने डाल दिया ओट्स। अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे जिससे अच्छा स्वाद दे। तो गाइस अभी हमने खोला है तो अभी इसका इस लुक है। थोड़ी देर बाद घुमाते रहना है, ऐसा नहीं कि घुमाना ही है, घुमाते रहना है, नहीं मुझे चिपक भी सकता है। तो गाइस अभी पक चुका है तो अब हम डाल लेंगे इसमें सॉरी कसूरी मेथी, जिसका ऊपर से टॉपिंग्स भी अच्छी लगती है और स्वाद भी अच्छा आता है। देखिए कैसे बुलबुले उठ रहे हैं। जब बुलबुले ज़्यादा उठना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि पक चुका है। उसमें 6 to 5 मिनट्स का, 1 to 5 या फिर 6 to 5 का मिनट्स का टाइम लगा। सो गाइस अभी हम देखते हैं कैसा बना है दलिया। गाइस बहुत टेस्टी बना है, मैंने चखे देखा, गाइस बहुत टेस्टी है। अगर आपको ये चीज़ बनानी है तो लाइक करिए कुकिंग चैनल को, रेनू कुकिंग चैनल। बाय गाइस।